सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। मैं केनंद रोधी आपके अपने YouTube चैनल केनंद रोधी डेयरी फार्म पर आप सब भाइयों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आए, वीडियो ना शेयर कर दियो, और जो भी पशुपालक अपने चैनल पर पहली बार आया अपने चैनल सब्सक्राइब कर लियो। तो एक प्रयास रहता अपना अच्छा पशुधन दिखाएं, दुधारू पशु दिखाए, और जड़ तक कोशिश रहती अपने ताज़ा ब्याह पशु दिखाए, क्योंकि ज्ञापन में भाई 100 और 100 है, लेकिन जब ब्याहने के बाद तो पशु निरोल आ जाए तो अपना दार पीछा अगला मालिक आगे तसली कर सकता है। और आप इन कह रहा जो काम करा तसली का करा, तो शायद देखते हैं वीडियो के अंदर भैंस की धार भी मार के दिखाई, लेकिन धार तो भाई आप थनिया देख सकते हैं भैंस का, ऐसा जानवर है बहुत शानदार, मुट्ठी का थनिया और बहुत शानदार। और भैंस की पूरी डिटेल देंगे भाई, पहले भाई जी का एड्रेस कन्फर्म कराएंगे, फिर जो उनका पशुधन हुआ दिखाएंगे। जसमेर भाई राम राम है भाई जी। यू कैमरे के सामने जो भाई को देख पा रहे हो, भाई जी बहुत अच्छा काम करे फिलहाल, मतलब कहने का है कि महीने में यदि 20 वीडियो बनाते हैं तो 10 वीडियो भाई की पाएगी। भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है अपने हरियाणा प्रदेश का और अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है। और एक जो फोकस रहता है दुधारू पशु का ऊपर फोकस रहता है, क्योंकि जो अच्छा मुरा नस्ल का जो दूध वाला पशु होता है उसे देने का प्रयास भी रहता है, जिससे कि अपने हरियाणा के मतलब जो युवा साथी है जो थैली वाला दूध पी कर कड़ा जंग जीतोगे तो भाई नुगरा खोली ले ले हड़वी ले ले, लेकिन दूध पियो ओरिजिनल पियो। तो पहले भाई का एड्रेस कंफर्म कराएंगे, फिर उसके बाद जो उनका पशुधन वह दिखाएंगे। जसमेर भाई अपना गांव हो गया लोचब, तहसील और जो डिस्ट्रिक्ट है जींद हरियाणा के अंदर है, ये अपना लोचब गांव है। और भाई की ये भैंस है भाई जी, कम में ब्यांत की है, चौथे ब्यांत में है। और कितने देर हो भाई को? तकरीबन 4 घंटे हुए बच्चे को दिए। नीचे कटड़ा को जन्म दिया, कटड़ी को कटड़ा है, कोई सिमन बुल सिमन बुल का नहीं पता, अच्छा पता नहीं, लेकिन कटड़ा ही साइड करियो थोड़ा ही साइड, बहुत ही भारी भरकम पता है पहले या टीका भी सिमन। खून पिए इस भैंस ने, 1 साल हो गई ब्याही ने, इत तक नया दूध हो कि नहीं दे रही। ओए प्रीतल के इधर क्यों सोम हो रही है? बाबू छो मैं क्या हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। ये बात होगी ताऊ मेरे संगे बताऊं जी, इस मैस ने खून पी लिया, 1 साल हो गया नए दूध नहीं होती। इसकी दवाई दम है बता दो। हाँ भाई ई बिलाया ले ताऊ मेरे संगे, यो न्यूट्री राइट खवा और फिर नए दूध ना हो तो मुन्ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्री राइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। अच्छा कुछ अच्छा अच्छा, लेकिन भाई कटड़ा देख सकते हो, थोड़ा कैमरा देख के बहस करा, थोड़ा पिछा दी इसको ले भाई, इतना भारी भरकम कटड़ा नुगेरे भी नगा भी नहीं होता, ये मात्र 4 घंटे का कटड़ा देख सकते हो, अभी तो पैर भी नहीं रहा, लेकिन भाई बहुत शानदार, कोई बुल का पाओगा शायद ही जो भी है अच्छा, लेकिन भाई नुगेरा देख बेरा परमात्मा ना, लेकिन जो बच्चा बहुत शानदार है भाई जी। तीसरा भैंस में दूध दाद कितना निकाला वो भैंस ने? 20+ करती है हमेशा। अच्छा हर एक भैंस में फर्क ही नहीं था, 16 कर दिया। हाँ 20+ में रही है। अच्छा अच्छा, और एक खूबी और भैंस की बता दूं, ऊंचाई तो नॉर्मल लेकिन लंबेटा बहुत ज्यादा, एक नुगेरा ऊंचा जो बुल के बराबर लंबेटा भैंस की, एक बार गर्दन और सीधी कर दो भाई, लंबेट नुगेरा पूरी फोन में कवर भी नहीं हो रही, कैमरे में देख लो भाई आप, बहुत ज्यादा लंबेटा है। वाह जी वाह। और चार भाई जी दूध कुछ कितना निकाल लिया खिसका शिसका? इसका 4-5 किलो के लगभग। अच्छा, और बच्चे को रजा दिया? बच्चा रजाया है, 4-5 निकाला। अच्छा अच्छा भाई जी, एक बार खोल कर दिखा दो भैंस को अच्छी तरह, थोड़ी कैमरा देख कर डर लग रही है भाई। भाई जी अपनी ये घर की या खरीद के लिया इसको भी? अच्छा ये अपनी घर की है, अच्छा पहले भैंस में खरीद के लिया थे, अपनी घर की है। अच्छा अच्छा ले भाई आगे चरम हो रही क्वालिटी दिखाऊं तो? वाह जी वाह, और लंबी तो इतने बहुत ज्यादा भाई जमानू लंबेट तो, और अडर बाजी बहुत शानदार है, मुट्ठी का थनिया है भाई जी, घुमा लिया आगे चेहरा मोरा देख सकते हो, और साफ सुथरी जानकारी बताई ने भाई ने, चौथे ब्यांत में भैंस को बताया है। और तीसरे ब्यांत में 20+ अपने घर निकाला है? 20+ दूसरे में भी रही है और तीसरे में भी भाई। अच्छा अच्छा, और आप पहले ब्यांत में कितना दूध निकाल कर लिया थे इसका तोल कर जो? पहले ब्यांत में 16 लीटर था इसका। अच्छा अपने घर पर पीक पे निकाला? अच्छा अच्छा, और भाई कति सा काली जामन पर की भैंस है जमानू, और नीचे कटड़ा तो वाज बहुत शानदार है। चिल्लाली डाणी सोमवीर पे आई थी मैम से, कहाँ से? चिल्लाली डाणी सुगर मिल मैम, तो रोड जाता है लिंक रोड,
अच्छा आप पहले ब्यांत में इसके खरीद को ले आए थे, अच्छा अब ये चौथे ब्यांत में आएगी। हाँ। भाई जी दूध कितने समय तक निकालना लगातार? ये 3 महीने छोटा है इसमें। अच्छा हाँ। कितने दूध से ड्राई करो हो? लगभग 8 या 9 किलो से इसको छोड़ना पड़ता है। अच्छा अच्छा हाँ। और धार दूर होगी कैसी है? बिल्कुल टॉप की चुवाई है भाई। अच्छा अगले थोड़ा में दूध कितना रहता है? अगले थोड़ा में दूध 3-3.5 किलो दूध है। अच्छा अच्छा, और 20+ जो दूध में उसमें अगले थनों का 3 से 3.5 के बीच में रहता है। दार पीछे के भाई जमान लिया रोहतक पास है, रोहतक पास है। अच्छा कोई निकालो कोई चक्कर नहीं है, बच्चा निकालो लेडीज निकालो या जेंट्स कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ऑर्डर तो भाई ने जब बोल रहे 4 से 5 लीटर खीस निकालिया बोला बोलिया, ऑर्डर तो बाहर आया होगा जब पूरा बैठे भी जाता। अच्छा अच्छा, खिंचा की जाए ड्रे किसी प्रकार का भाई लटकवानी भाई बोल्स का था दूसरे तीसरे पे में, लेकिन जो जानकारी दी जेन्युइन जानकारी दी है चौथे पे आते भाई ने बताइए। ऊपर की क्वालिटी देख लो, वाह जी वाह, पीठ फुटा बहुत जबरदस्त ले रही है। और लंबेट तो एक हाइट है भाई, देखो माइनस पॉइंट है वह भी बताऊंगा, जो खूबी है वह भी बताऊँ। हाँ एक जो प्रयास रहता है साफ सुथरी जानकारी दिया, झूठे शब्दों का प्रयोग भाई झूठे लोगों से और झूठे शब्दों का प्रयोग ना करें, तो ये यहाँ पे भैंस के मालिक से भी डिटेल देगा। तो लेकिन लंबेटा जो बहुत ज़्यादा भैंस की, ये पहले बता रहा हूँ हाइट नॉर्मल है भाई जी। भाई जी इस चौथे में तो कितनी उम्मीद करो हो? चौथे में तो यही उम्मीद है कि ये 20 से ऊपर ऊपर रहे, कम तो आने का खाना। अच्छा अच्छा, बाकी कुछ जितना गेड़े गए इतना अनुग्रह भाई कोल्लू आए तो जितना गेड़े उतना काट लियो। हाँ हाँ ये तो बात है। और भाई देखो अडर उडर बहुत शानदार है, अगले देख लो भाई नेम देख लो, थोड़ा कैमरे में देख कर डर लग रही है। तो भाई जी इसका रेट रट क्या रखा है? 1,15,000 रुपये और 20+ की उम्मीद नहीं निकालेगी? अच्छा उम्मीद नहीं निकालेगी। अच्छा भाई जी क्योंकि बहुत भाई कमेंट में कहोगे नीलिया छोटी ही है 20 खड़ा काटोगे इनका क्यों मजाक करो, तो उनको क्या जवाब देना चाहोगे? दूध 20 काटा है तो ना भाई का सब हो 20 किलो कटा है दे दूंगा, अपना कंपरन पक्की कर जाएगा, जो फिर रेट इसका 20 निकालने के बाद वो नहीं रहेगा जो मैं रखूंगा वो है भाई। या तो देखो है आज या खीस में वैसे, और यदि 20 तुलाएगा तो भाई नु कह रहा घर खाए का दूध काटे करे तो मेरे भाई नु तो सही नहीं होगा। अच्छछा अच्छा, और आज का रेट है 1,15,000 रुपये। अच्छा 20+ की उम्मीद नहीं निकालना है? 20 नहीं काटेगी, डबल करना दूंगा भी अगले। अच्छा जितने पैसे 10-20 जो आपको देगा जाएगा डबल करके दे दोगे? अच्छा और 20 लीटर कितने दिन में कर जाएगी? 15 घंटे में भी 20 लीटर दूध तैयार करता है। अच्छा अच्छा, महिला छंटने से पहले पहले 20 कर जाएगी? अच्छा अच्छा, हाथ मर जाए है ठीक ठीक। तो भाई जी अपना मोबाइल नंबर क्या है? 87082338। अच्छा यू भाई का नंबर है जो वीडियो के अंदर चल रहा है, और भाई ने बताया 20+ क्यूब में से उम्मीद नहीं क्लियर है, और रेट रखा मात्र 1,15,000 रुपये, और नीचे कटड़ा देख सकते हो बहुत ही शानदार। भाई नूरिया भाई टिक्का भी रखवा है कोई बुल का, और पंचायती बुल से प्रेगनेंट भी करवाई हुई है। बाकी देखो भाई परमात्मा ने मेरा भाई ने दोनों काम करवाए है, जो अपना भाई जो भैंस को ले अपनी तसल्ली करके 2 टाइम 3 टाइम चुवाई करके ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, जय हरियाणा जय रणवीर।